यू हैव बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या यू वॉन्ट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो है कि यू हैव टू गेट अहेड ऑफ द 99% पीपल. अगर आपको अच्छा कुछ भी करना है तो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा एंड भीड़ से अलग होने के लिए भीड़ से कुछ अलग काम करना पड़ेगा. सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज दीज पीपल पोजेस जिसकी वजह से दे आर अहेड ऑफ द 99% ऑफ द पीपल. अब ये वीडियो इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम माय माइंड. मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, पीपल हु हैव बिकम SG2s इन जस्ट 1 year, 1.5 years. कुछ लोग 4 साल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं एंड दीज आर ऑल इन माय सर्कल. इन सब लोगों से बात करके, कुछ उनकी क्वालिटीज़ देख के, इन सब के साथ काम करके, देर आर अराउंड 10 qualities दैट आई हैव फिगर्ड आउट दे हैव और दे हैव बीन वर्किंग ऑन, जिसकी वजह से दे हैव गॉट अहेड ऑफ 99% पीपल. सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम बेटर देन 99% ऑफ अदर पीपल, इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना एंड आई विल बी शेयरिंग अ बोनस टिप एज वेल एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो स्टिक टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू डोंट नो अबाउट AlgoPrep, डू चेक आउट AlgoPrep.in. सिस्टम डिजाइन प्रेप इज लाइव and early bird offer chal raha hai. You are getting DSA prep light free with the system design course and also extra discount. It's being taught by Abhishek, who is an engineering manager at Google, 10 years experience, scalar JFJ ke sath padha rakha hai. Iske sath sath he has worked at Flipkart, Walmart. He had his own startup and now he is an engineering manager. LLD part is being taught by Subesh, who has been teaching for the last 4 years. He has also taught at Scalar and he is also a software engineer at Google. Baki details are on the website. Do check out, the link is in the description. And video start karne se pehle yaar, this video pe 5000 likes ka like target rakhte hain. Last जिस भी वीडियो पे लाइक टारगेट रहा है, यू हैव अचीव्ड इट एंड इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग बेटर कंटेंट एंड इससे भी अमेजिंग वीडियोस प्लान्ड है आगे. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है. बहुत सारे लोगों से डिस्कशंस करा है, बहुत सारे लोगों के साथ बात करी है एंड तुम्हारे फेवरेट कुछ लोग हैं वो भी चैनल पर आने वाले हैं जल्दी ही. सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर. अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है ना, बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. अब SME होता क्या है? अगर आपकी टीम में कोई भी चीज़ हो रही है एंड ऑल द क्वेश्चंस आर डायरेक्टेड टू यू बिकॉज यू आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, दैट मीन्स आपने वो चीज़ बहुत अच्छे से करी है. सो कुछ भी अगर कर रहे हो, ट्राई करो, आपको उस चीज़ में इन डेप्थ नॉलेज हो. इन डेप्थ नॉलेज कैसे आती है? अच्छे से पहले तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने होती है. अगर आप कुछ भी बिल्ड कर रहे हो तो डीप डाइव करो, क्वेश्चंस पूछो. अगर आप किसी और के साथ बिल्ड कर रहे हो, स्टेक होल्डर से, उनसे बात करो एंड ट्राई टू लाइक हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस. क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस पूछोगे नहीं, आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा नहीं एंड यू कांट बिकम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. जिन भी लोगों का जल्दी प्रमोशन होता है 1.5 years में, 2 years में दे आर बिकमिंग SG2 या फिर 4-4.5 साल में दे आर बिकमिंग सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बिकॉज उनके बिना टीम नहीं चल सकती. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, टीम चल सकती है बट स्टिल यू हैव टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. दिस इज पॉइंट नंबर 1. नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फाइंड द राइट मेंटर. मेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में. अब मेंटर ढूंढूँ कैसे? एक क्वेश्चन ये आपका आएगा, शुड आई हैव द मेंटर इन द सेम कंपनी, शुड आई हैव मेंटर फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, दूसरी टीम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डजेंट मैटर. यू शुड हैव समवन हुम यू कैन गो टू एंड आस्क कि यार मैं स्टक हो चुका हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है, जो आपको करियर एडवाइस दे पाए, आपको बता पाए आपको कैसे चीज़ें करनी है. अब जब भी आप कॉरपोरेट लाइफ में जाते हो, कॉरपोरेट ज्वाइन करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से आ रही होती हैं. यू नीड समवन हु कैन हेल्प यू आउट विद थिंग्स. जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यू हैव योर गुरुजी मेंटर कि यार ये बता दो मेरे को, आई डोंट नो. इट्स नॉट अबाउट टेक डाउट्स कि यार ये डीबग नहीं हो रहा है, डीबग करा दो. वो मेंटर नहीं होता. मेंटर विल टेल यू कि क्या करना है, करना आपको ही होता है. हाउ टू फाइंड इट? सबसे ईजी है, इफ़ यू आर फ्रॉम XYZ कॉलेज, ट्राई टू फाइंड अ सीनियर इन दैट कंपनी जो उस कॉलेज का हो. आप काफ़ी ज़्यादा लेवल्स पर रिलेट कर पाओगे, तो ईजी हो जाएगा. अगर कॉलेज का नहीं हो पा रहा है, देन प्रीवियस किसी कंपनी में आपने काम किया उससे कर सकते हो, इंटर्नशिप से कर सकते हो, किसी भी बेसिक चीज़ पर बॉन्ड करो एंड ट्राई टू फाइंड समवन हु हिमसेल्फ इज इन द टॉप 1%. ठीक है, सो दैट यू विल ऑल्सो बी ऑन द सेम पाथ. थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, नो योर शिट, डोंट फेक इट. ठीक है, आपको अपनी चीज़ें जिसके बारे में आप बात करो पता होने चाहिए. एक कैसे आएगा? डीप डाइव करके. जो फर्स्ट पॉइंट था, बिकमिंग अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इज रिलेटेड टू दिस. अगर आप डीप डाइव नहीं करोगे तो आपको चीज़ें पता ही नहीं होंगी, राइट? अगर चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप बेसिकली फेक कर रहे होगे. सो यू डोंट हैव टू फेक इट एंड ट्राई करो चीज़ों को अच्छे से समझने का, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने का, ट्यूटोरियल्स देखने का, गेट इन द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऐसे करके यू कैन बिकम बेटर. ऑल्सो आस्क फॉर हेल्प. हेजिटेट नहीं करना है बिकॉज इफ समवन इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दे आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे. पीपल हु आर गुड टेकीज या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर नॉट द पर्सन जिसको बहुत कुछ आता है. दे आर हु आर रेडी टू टीच अदर पीपल आज वेल एंड अपने साथ ले जाए. ऐसे हर टीम में कोई ना कोई होता है जो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा होता है, जिसको
काफ़ी इंटरेस्ट होता है एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू देम. आस्किंग क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट में होने वाला है. एंड जब आप कोई कोर्स वगैरह भी कर रहे होते हो, चाहे आप DSA कर रहे हो, सिस्टम डिजाइन का कर रहे हो, दूसरे का डाल को प्रेप अगर करना है, तो वहाँ पर क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बेसिक क्वेश्चंस नहीं अपने पूछोगे तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे कभी. एंड वो डाउट हमेशा दिमाग में रह जाता है. अगर आपको लगता है कि आप सिली लगोगे क्वेश्चंस पूछ के, तो ऐसा नहीं है, आपके डाउट्स सॉल्व हो रहे होंगे. आई हैव टॉक्ड टू अ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड एक प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे होते हैं कि यार मेरे को प्रमोशन तो चाहिए, मैंने 10 टास्क कर दिए, 20 टास्क कर दिए, बट आई एम नॉट गेटिंग प्रमोटेड. सो इट्स मोर अबाउट द इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग दैन द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, द नंबर ऑफ टास्क यू आर कंप्लीटिंग. सो ये चीज़ जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया है, कि आप इम्पैक्ट कैसे बड़ा कर सकते हो, क्या आपके M2 M3 स्किप लेवल के स्किप लेवल तक चीज़ें पता चल रही हैं. कैसे पता चलेंगे? कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होगे, कहीं पे आप प्रेजेंट कर रहे होगे, ये सारी चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट. सो ये सब करने के लिए आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ में बात कर रहे हो. सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट एंड ट्राई फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग इम्पैक्ट रादर देन डूइंग नंबर ऑफ टास्क. कि मैंने 10 फीचर्स बना दिए बट आई वॉज डूइंग द सेम थिंग इन ऑल द 10 फीचर्स, तो मैंने कुछ नया सीखा नहीं एंड मेरा इम्पैक्ट तो कुछ खास हुआ नहीं. एंड ये कॉर्पोरेट में कोई बताएगा नहीं, बट इफ़ यू आर जस्ट कंप्लीटिंग द टास्क दैट आर गिवन टू यू, यू आर गोइंग टू बी एवरेज. अगर आपको एवरेज से ऊपर जाना है तो आपको उन टास्क के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. फिफ्थ पॉइंट इज यू हैव टू बी बेटर एट कम्युनिकेशन. अगर आप अपने थॉट्स को ढंग से बता नहीं पा रहे हो सामने वाले को, सो उनको पता ही नहीं चलेगा हाउ इंटेलिजेंट यू आर. इफ यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इफ यू हैव आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस बट यू आर नॉट एबल टू कन्वे दोज आंसर्स टू द पीपल, देन इट्स ऑफ नो यूज. समझ रहे हो कि तुम बता ही नहीं पा रहे हो यार कि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा, तुम्हें पता है अपने दिमाग में, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो कुछ भी हो, तुम्हें पता है कि क्या है, बट तुम सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो. सो इम्प्रूव दैट. अब कैसे इम्प्रूव करूँ? सब लोग बोल देते हैं यार इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. हाउ कैन आई डू दैट? ट्राई रीडिंग बुक्स, ट्राई वॉचिंग पीपल हु आर बेटर एट कम्युनिकेटिंग एंड साथ साथ टॉक टू द कैमरा, टॉक टू मिरर एंड अपने आप अपनी गलतियों को लाइक ठीक करो. बोलो ज़्यादा, जितना ज़्यादा बोलोगे उतने तुम कम्युनिकेट कर रहे होगे. लोगों से बात करो, कैमरा से बात करो, अलग अलग चीज़ों से बात करो. जैसे जैसे तुम बात करोगे ना, वैसे तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे. एंड ट्राई टेकिंग अप टास्क जो कोई और नहीं कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट कोडिंग वाले टास्क, इट्स अबाउट अगर कॉलेज में कोई फेस्ट वगैरह करना है, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, ऑफिस में कुछ ऑर्गेनाइज करना है, तो इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. एंड दीज आर साइड थिंग, इनसे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो रही होंगी. नेक्स्ट इज बिकम अ बेटर डिबगर. इसका क्या मतलब है भाई? एरर बहुत आ रहे हैं, एरर आते हैं. मैं अपने सीनियर इंजीनियर के पास जाता हूँ, वो मेरे को बता देता है कि यार ऐसे एरर सॉल्व होगा, एंड सॉल्व हो जाते हैं, मेरे को करने की ज़रूरत है. इससे यू आर जस्ट गेटिंग स्पून फेड. आप कभी डीबग ही नहीं कर पाओगे खुद से अगर आपको सेम प्रॉब्लम आएगी. ट्राई टू फिगर आउट द रूट कॉज. गूगल करो, ChatGPT, इतने सारे टूल्स हैं. स्टैक ओवरफ्लो और ChatGPT एंड गूगल सर्च को अगर अच्छे से यूज़ करोगे ना, सो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो आप सॉल्व नहीं कर सकते. 70% ऑफ योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज गूगलिंग. सच बता रहा हूँ, जब आप कंपनी में जाओगे ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको गूगल पे नहीं मिल रही होगी. इट्स अबाउट लाइक सब ब्लॉक्स को एक साथ कंबाइन करना है, उनको अच्छे से प्रेजेंट करना है, क्या सर्च करना है, क्या ढूंढना है, वो पता होना चाहिए. अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो इट्स मैटर ऑफ जस्ट फ्यू सर्चेस कि आपको अपना आंसर मिल जाएगा, आप डीबग कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम को. तो ट्राई टू बी अ बेटर डीबगर, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आ जाता है ट्यूटोरियल हेल्प. अब मैं कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, मैं कुछ नई चीज़ सीख रहा हूँ, अभी आई हैव स्विच टीम्स एंड अभी आई वॉज लर्निंग जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट. तो ट्यूटोरियल हेल्प में बस मैं वीडियोस देख सकता हूँ, पॉपकॉर्न खाते हुए चिल कर सकता हूँ, नोट्स बना लिए थोड़े बहुत, बट उससे मैं सीखूंगा नहीं. सो वट इज़ देयर कि जो आपको कोड बेस मिला हुआ है उसमें कुछ बग्स होंगे, बग्स उठाओ, बग सॉल्व करने का ट्राई करो. व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व दोस बग्स, आपको और ज़्यादा कोड की अंडरस्टैंडिंग होगी एंड यू विल बी डूइंग एवरीथिंग हैंड्स ऑन. कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना लो. जब कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो हेलो वर्ल्ड लिख के देख लो, उसमें लीड कोड का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द सिंटैक्स. छोटा सा टू डू लिस्ट वाला प्रोजेक्ट बना लो एंड डूइंग दीज थिंग्स विल हेल्प यू फिगर आउट कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है. तुम ट्यूटोरियल हेल्प में कभी नहीं जाओगे, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होगे एंड एक्चुअली चीज़ें बिल्ड करना सीख जाओगे. नेक्स्ट इज डोंट स्टॉप लर्निंग. हमें लगता है कि यार ठीक है अब तो बन गए, अब क्या ही है, अब तो जो आएगा कर लेंगे, बट ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू हर एक महीने में, डेढ़ महीने में, बिकॉज ब्रेन इज लाइक अ मशीन. अगर आप उसको कुछ नई चीज़ फीड नहीं करोगे तो वो
रस्ट हो जाएगा, राइट? रस्ट हो जाएगा तो फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा. इसलिए ट्राई लर्निंग अ न्यू थिंग आफ्टर सम टाइम. अगर एक टेक्नोलॉजी से बोर हो गए हो, उसमें सब चीज़ तुम्हें पता है, तो ट्राई टू मूव टू समथिंग न्यू. टीम स्विच कर सकते हो, कंपनी स्विच कर सकते हो, प्रोजेक्ट स्विच कर सकते हो, जो सही लगे, या फिर अपने साइड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, एंड दैट्स गुड इनफ. नेक्स्ट आता है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन यूजलेस टास्क. जिस चीज़ में टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है उसको मत करो. इट कैन बी एक ऐसा बग है जो प्रायोरिटी 3 है, P3 है, बट तुम्हें करना है बस, क्योंकि तुम ईगो पे ले चुके हो कि यार ये सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे को कुछ नहीं आता. बट इट्स नॉट नेसेसरी टू सॉल्व दैट बग. यू उससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा होगा, तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, राइट? सो ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे तुम्हारा भी फायदा हो रहा है, कहाँ पे तुम इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पा रहे हो, एंड वेयर यू आर गेटिंग बेनिफिटेड. एट द एंड ऑफ द डे इट गोइंग टू बी अ कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन. आप काम करोगे, आप इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, आपको पैसे मिल रहे होंगे. पैसे ज़्यादा कब मिलेंगे? जब आप ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होगे. सीधा कोरिलेशन है. तो यूजलेस चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे तो इम्पैक्ट कम होगा, पैसे कम होंगे. फाइनल एक चीज़ है कि हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट. आप जो भी चीज़ बिल्ड कर रहे हो ना, आपको उसका एंड टू एंड पता होना चाहिए. अगर आप फ्रंट एंड पे भी काम कर रहे हो तो भी आपको बैक एंड का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आप कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो. मतलब गेट टू द कोर ऑफ द थिंग्स. जब तक आप ढंग से समझोगे नहीं कि कहाँ पे कैसी चीज़ें वर्क कर रही है, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, एंड कोई भी क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाओगे. सो हैविंग अ बेटर प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग इज रियली यूजफुल. एंड इसके साथ साथ हाई लेवल लो लेवल डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू आर लाइक वर्किंग एट अ कंपनी. सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट एल्गोप्रेप सिस्टम डिज़ाइन कोर्स. It's already live on the website. अर्ली बर्ड वगैरह चल रहा है, अभी देख सकते हो, एंड बाकी डिटेल्स वेबसाइट पे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट एक एडवाइस है. इसको चाहे तुम ट्रेट मान लो, एडवाइस मान लो, कुछ भी मान लो, आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं बहुत सिली लगूंगा, बुद्धू लगूंगा एक बारी अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, बट इट्स इम्पॉर्टेंट. अ क्वेश्चन कैन मेक यू लुक सिली वंस, बट इट कैन स्टॉप यू फ्रॉम लुकिंग सिली लाइक मल्टीपल टाइम्स आगे जाके. अगर शुरू में ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, शुरू में ही अपने क्वेश्चन को आंसर करवा लोगे, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होने वाली. अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हो, आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. इट्स सेम फॉर अ कोर्स, इट्स सेम फॉर अ मीटिंग, इट्स सेम फॉर अ क्लास. किसी भी जगह पे हो, कहीं पे भी हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. सो या, दीज वर द ट्रेट्स, दीज वर द थिंग्स दैट यू शुड वर्क ऑन इफ यू वॉन्ट टू बिकम द टॉप 1%. 99% लोगों से बेटर होना है, अच्छी जॉब लेनी है, करियर में जल्दी 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 ऊपर जाना है. सो ट्राई टू डू वट अदर पीपल आर नॉट डूइंग एंड गेट बेटर एट थिंग्स. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कर बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वीडियो को फिर से देख लेना, नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लेना. एंड डू लाइक दिस वीडियो, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. किस टाइप की वीडियोज आपको और चाहिए, कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, विल बी मेकिंग मोर ऑफ दोस. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए.